छोटी बनाई है पेंटिंग तो 4A साइज के अंदर और ऐसे ही फ्री बैठता हूँ तो बना रहता हूँ। तो वो पेंटिंग्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और अब आपने अभी तक एलपी क्राफ्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो के अंदर कितने लाइक को 1000 लाइक मिलेंगे ना तो गाइस हम अगले वीडियो में किसी के साथ प्रैंक करेंगे। और किससे करेंगे? ओ ऐसे बंदे के साथ करेंगे कि वो अभी तक हमारे YouTube चैनल के एक भी वीडियो में नहीं आया होगा, ऐसे बंदे के साथ करेंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरी पेंटिंग। तो गाइस ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग से आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे ही है, तो मेरी फर्स्ट पेंटिंग है। इसमें क्या है, बीचों बीच पृथ्वी है, मार्स पे रहो और पृथ्वी रो रही है। किसके बजे? इसके लिए, कोरोना के बजे रो रही है। तो ये मैंने बनाई है मार्कल नहीं, मिनिया कलर से बनाई हुई है। किस कैसी पेंटिंग और किस से बनाई वो सब आपको मैं दिखाऊंगा। फिर हम दूसरी पेंटिंग की बात करें तो ये भी मैंने मिनिया कलर से बनाई है। इसमें क्या है, हम किसी से टच बच कर सकते हैं। ऐसे ही देखो, ये नख है मेरा, ठीक है। तो ऐसे मिनिया कलर होता है ना, उसमें आता ही है ऐसा कुछ आता है जिससे हम पूरा ड्राइंग कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने रेड है, फिर एक रेड है इसके अंदर, और एक पीला जैसा है, और ब्लैक कलर है। तो आपको एक और दिखाता हूँ। फिर इससे बाद मारे, ये तो मैं ऐसे ही बैठा था और मैंने इसको बना दिया मार्कर कलर से बनी हुई है। ये भी मार्कर कलर से बनी हुई है। कुदरती दृश्य, एक घर है, इधर से नदी बह रही है, इधर एक झाड़वा है, उसके ऊपर बादल है, सूर्य है, हमारी ये चकलिया जो उड़ रही है, उसके बाद ये पहाड़ है। ये है ना पहाड़, उसके पीछे डेजर्ट है और इसके आगे हरी भरी है। उसके बाद हनुमान जी की बात करें, हमारे हनुमान जी, जय हनुमान। तो ये ट्रक की आवाज आ रही है क्योंकि हमारे वहाँ काम चल रहा है तो उसका ट्रक का आवाज है, कोई बात नहीं चलता है। ओ तो ये हमारे हनुमान जी की जो पेंटिंग है, जय हनुमान जी। फिर हनुमान जी, इसको मैंने बनाया था VVZ के द्वारा। तो आपको दिखाता हूँ, ये मैंने मार्कर कलर से किया हुआ है। देखो ऐसे ऐसे और नहीं ऐसे ऐसे और ऐसे जेड हुआ, फिर एक वी हुआ, उसका दूसरा ऊपर वाला ए वी हुआ। तो ये दो VVZ से बनाया हुआ है मैंने। फिर अगली पेंटिंग की बात करें तो ये मिनिया कलर सा है, रिद्धि सिद्धि गणपति श्री गणेश, ये मैंने मिनिया कलर से बनाया हुआ है प्रॉपर। फिर उससे आगे बात करें तो ये वाटर कलर पेंटिंग है, ये वाटर कलर पेंटिंग है। इसके अंदर एक पेड़ है और ये नाइट होने जा रही है। उसके बाद उसके आगे करें तो क्या है, इसमें क्या है, एक इधर से पेड़ है, फिर एक कुआ है, कुआ की जो पाइड होती है ना उसके ऊपर बैठी है दो चकली बैठी है, ऊपर नाइट हो रही है। इसी नाइट वाली तो मेरी ज़्यादा है, देखो ये भी नाइट वाली है, ये देखो ये नाइट वाली है, इसके लैम्प है और उसके अंदर है। फिर उसका अगली पेंटिंग की बात करते हैं तो एक है पांदड़ू। उसके बाद आते हैं हमारे टेक्नो गेमर भाई उज्जवल। तो ये है उज्जवल भाई जो ट्राइडेंट लेके हाथ में खड़े हैं, माइनक्राफ्ट का चित्र है,
सोच रहा था क्या बनाऊँ, तो ये बना डाला। फिर उससे आगे बात करें तो इस सबके तो एक क्या है, क्या है तो ए है फूल है, एक पीला रंग का ये फूल है। इसमें क्या धागा है, धागों को मैंने पहले कलर में बोल दिया, मतलब लगा लिया कलर वाला। फिर कुछ इस प्रकार से मैंने धागे को रख दिया, ऐसे ऐसे और ऐसे। फिर मैंने ऊपर एक दूसरा कागज़ रखा, फिर नीचे से धागा खींच लिया, नीचे से धागा खींच लिया मीन्स ऐसी पैटर्न बन गई। उसके बाद है भी वाटर कलर पेंटिंग है, इसमें एक साइड दिन है और एक साइड नाइट है। इसमें मैं सोच रहा था इधर झूला वूला लटका हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, उसके साइड प्लेन ही अच्छा है। उसके बाद आपको लग रहा है एक ऐसी पेंटिंग है, तो एक पेड़ है, जो है पेड़ का उपला भाग है ना, मैंने रू से किया है, पहले रू को कलर में बोरा फिर इसमें लगा ही दिया, ऐसे ऐसे करके ऐसे लगा दिया, वाटर कलर पेंटिंग। उसके बाद ये है पेंसिल कलर, ये पेंसिल कलर एक बाज की पेंटिंग है, किंग बाज, किंग बाज, बाज की पेंटिंग है। तो उसके बाद आती है हमारी आखिरी पेंटिंग, जय हिंद, जो मैंने कल ही करी है, जय हिंद। इसमें क्या है, दो चकली है जो एक हमारे राष्ट्रीय ध्वज को आसमान में लहरा रही है। इसके ए मैंने ये मिनिया कलर से, ये पूरी मिनिया कलर से, पर ये जो राष्ट्रीय ध्वज है ना वो पेंसिल कलर से किया हुआ है। तो इतनी पेंटिंग है, तो आप, तो आपको ये पेंटिंग कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना, आपको ये सारी पेंटिंग्स कैसे लगी, और ख़ास करके तो हमारी राष्ट्रीय ध्वज वाली जो आखिरी पेंटिंग थी वो आपको कैसे लगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय ध्वज वाली मैंने कल रात को ही कंप्लीट की। उसके अंदर मैं कल से मच रहा था, कल से उसके अंदर मैं मेहनत कर रहा था, कल सुबह से मैं उसमें मेहनत कर रहा था। सबसे पहले तो सुबह मैंने उस पेंटिंग को निकाला, फिर दोपहर में मैंने उस पेंटिंग को ऐसे ड्रॉ कर लिया और रात को उसमें कलर कर दिया। तो मैंने मेरी जितनी भी पेंटिंग है उसमें वाटर कलर पेंसिल कलर मिनिया कलर एंड स्केच पेन कलर, मैंने चारों कलर का अलग अलग पेंटिंग्स बनाई है। राष्ट्रीय ध्वज वाली में मिनिया कलर और हमारा पेंसिल कलर दोनों है, और चकलिया बना कैमरा डिग गया और मीन्स हिल गया। मुझे राष्ट्रीय ध्वज वाली है ना उसमें बनाने में कितनी देर लगी थी, उसमें उससे भी ज़्यादा जो पेंटिंग थी ना घर वाली आपको दिखा, सबसे ज़्यादा मुझे इसमें टाइम लगा था, क्योंकि इसमें क्या सबसे पहले नीचे रेड कलर करो, उसके ऊपर पीला कलर, उसके ऊपर ब्लैक कलर किया, फिर इसमें मैंने सोचा कैसे ड्रॉ करें, ऐसे करें ऐसे करें, फिर मैंने इसको ड्रॉ किया। इधर देखो ये नदी है, ऊपर से पुल जा रहा है घर पे, ये प्रमुख का घर है, मीन्स गांव से अलग है, पूरा अलग ही है। तो इसमें मुझे ज़्यादा देर लगा था, इस वाली पेंटिंग में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि इसमें सबसे पहले रेड कलर करो, उसके ऊपर पीला, उसके ऊपर ब्लैक कलर, और जो राष्ट्रीय ध्वज वाली थी ना उसमें मैंने एक कलर की कुर्बानी भी दे दी। उस राष्ट्रीय ध्वज के लिए हमारे सैनिक कुर्बानी देते हैं, पर मैंने इस पेंटिंग के लिए उस कलर की कुर्बानी दे दी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, तो और जय हिंद।